नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुश्रुति। दोस्तों, आपको टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि जो हमारे दांत होते हो कभी कभी किसी भी उम्र में, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या कोई वयस्क आदमी हो, उन सब में आपने देखा होगा कि कभी ना कभी कुछ ब्रश करते वक्त या ऐसा ही उन्होंने नोटिस किया होता है कि जो उनके दांत होता है या थोड़े से दांत होते वो हिलने लगते हैं। वो क्यों हिलते हैं? तो उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि जो हमारे जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मसूड़े वीक होते हैं तो हमारे दांतों का जो कवर करने का जो एरिया है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांत जो है वो हिलने लगते हैं। तो इन सभी के लिए जो हम बहुत से लोग जो है डेंटिस्ट के पास जो है चक्कर लगाते रहते हैं और उनको जो मन चाहा रिज़ल्ट चाहिए होता है वो अक्सर उनको नहीं मिलता है, तो भी वो क्या परेशान हो जाते हैं कि पैसा तो बर्बाद हो रहा है और उसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग जो है वो डेंटिस्ट के पास जाने के बजाय हमारा जो घरेलू जो उपचार होते हैं, जो इलाज होते हैं, वो करने पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। और वो अच्छा भी है, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी कम होता है और उसका मतलब ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम यही देखेंगे कि जो जिन लोगों को भी दांत हिलने की समस्या है या जिनके मतलब जो दांत हिलते हैं, तो उसके लिए हम घर में क्या क्या उपचार कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये जो दांत हिलते हैं या हमारे मसूड़े कमज़ोर हो गए, इसके लक्षण क्या है? तो बहुत से लोग जानते होंगे कि इसके जो लक्षण होते हैं वो, अगर आप ब्रश करते हो या आप कुछ खा रहे हो तो दांत जो है हमारे वो उसी के जैसे हम घास चबाएंगे उसी की तरह वो हमारे दांत भी इधर उधर थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, और जैसे जैसे हम उसको चबाने की आदत लगाएंगे वो और भी ज़्यादा अपने जगह से जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। और एक बात करेंगे कि अगर आपके मसूड़े कमज़ोर हैं तो आपके मसूड़े जो नीचे की तरफ होते हैं वो लाल हो जाएंगे, उनमें सूजन आएगी। कभी कभी तो देखा गया है कि बहुत से लोग जो मतलब ब्रश करते हुए उनके ब्रशिंग में जो है खून भी आ जाता है। तो एक टीवी पे आपने ऐड देखा होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। मैं आपसे भी इसी सवाल का जवाब भी दूंगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक जो होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए। ये तो आज का रिसर्च है, लेकिन ये 3000 साल पहले का रिसर्च है और आपके घर में भी अवेलेबल है। तो इसी के बारे में भी बात करेंगे हम। तो दांत हिलने के या हमारे मसूड़े कमज़ोर होने के जो लक्षण हैं वो सबसे पहला है कि आप अगर आप ऐसे ऐसे करके हिलाओगे तो आपका दांत हिलेगा। दूसरी बात करेंगे कि आपके मसूड़ों में जो है सूजन होगी, आपके मसूड़ों से जो खून आने की जो समस्या है ये भी हो सकती है। साथ ही साथ आपके मुंह में जहाँ भी ज़ख्म हुआ होगा, जैसे मसूड़ों में ज़ख्म हुआ है, तो वहाँ जो है वो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी वहाँ पनपते हैं। इसकी वजह से हमारे मुंह का जो मतलब एक तरह का स्मेल होता है वो दुर्गंध भरा भी आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो दांत जो हिलते हैं उसके लिए हम घरेलू उपचार जो है वो क्या कर सकते हैं। तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई अपना दंत मंजन करो, कोलगेट ब्रश थोड़े दिन के लिए अवर करो। हाँ, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेली ब्रशिंग करते हो तो उससे आपके जो गम्स है या मसूड़े हैं वो थोड़े से ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से आपसे कहना चाहूँगा कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी आप अपने दांतों को मंजन कीजिए, ब्रशिंग नहीं कीजिए, क्योंकि उससे जो है मंजन करने से जो है अपने उंगली से मंजन करने से हमारे जो दांतों के बीच का जो गैप है वो भी अच्छा मेंटेन रहता है, और ब्रश जो होता है वो दांतों के बीच की जो गैप है उसको बढ़ा देता है। तो ये भी आप एक ध्यान में रखो। तो अब जो बात करेंगे हम कि घरेलू जो उपचार है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला हमारा जो घरेलू उपचार है वो है ऑयल पुलिंग का। ऑयल पुलिंग मैं आपको मतलब यहाँ लिख के भी दिखा रहा हूँ। तो ऑयल पुलिंग जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, जैतून ऑयल या सरसों का तेल जो होता है उसको मुंह में भरना होता है। मुंह में भर के 15-20 मिनट तक उसको अपने मुंह में घुमाते घुमाते रहना है। इससे क्या होगा, जो हमारे मुंह में जो बैड जो बैक्टीरिया जमा होते हैं या जो संक्रमण पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं उनकी जो है ग्रोथ कम होती है, या उनको जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से ऑयल पुलिंग करना बहुत अच्छा है। ऑयल पुलिंग करके जो है अपने मुंह में 2 से 5 मिनट तक रखना है और बाद में उसका कोला करना है। बाद में कोला करने के बाद भी थोड़ा सा गुनगुने पानी से अपने
थोड़ा सा गला या पूरा मुंह का जो है वो सफाई आप करेंगे, तो ये आपको लगभग दिन में दो बार करें मेरे ख्याल से, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो दो बार करें, एक बार सुबह एक बार शाम को, तो दो टाइम करोगे ऐसा एक महीना तक आपको करना पड़ेगा, तो जो आपके मुंह की जो प्रॉब्लम है, दांत हिलने की जो समस्या है, उसमें आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। ये लहसुन, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ जो उपचार है, ये लहसुन ये कब आपको इस्तेमाल करना है कि आपके दांतों में अगर मतलब थोड़ा सा लूज़ आपके दांत हो गए हैं और फिर भी आपके जो मसूड़े हैं उनमें भी थोड़ा सा जख्म है या उनमें सूजन है, उनमें लालिम आ गई है या कभी कभी उनसे खून भी आता है, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है इसमें आपको क्या करना है, जो हमारी लहसुन होता है उसको अच्छे से मतलब बीच में से काट लो और उसके छोटे छोटे चक्ते काट लो, छोटे छोटे टुकड़े काट लो, और वो जो भी आपकी जो जख्म हुआ है जो मसूड़े हैं वहाँ पर उसको कुछ देर के लिए रखो। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसकी वजह से जब आप इसको वहाँ पे लगाओगे तो थोड़ी सी आपको झंझनाहट तो होगी, लेकिन ये क्या करेगा, वहाँ पे जमा जो बैड बैक्टीरिया होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे, जो बैड होंगे, जो आपको संक्रमण बढ़ाएंगे, उनको वहाँ से ख़त्म करने का जो काम है वो करेंगे। अगर आपके मसूड़ों के घाव जल्दी ठीक हो गए तो आपके जो दांत हैं वो भी जल्दी टाइट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन बचता है, सरसों का तेल और नमक। सरसों का तेल और नमक इनका कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना है, एक चम्मच सरसों का तेल लेना है, उसमें एक दो चुटकी जो है हमारा नमक मिलाना है, और उसका जो थोड़ा सा पेस्ट बनता है वो पेस्ट जो है अपने उंगली पे ले लो, और उंगली से वो जो जहाँ भी आपका जो दांत में ढीलापन है या जो दांत आपका लूज है या मसूड़े पे कहीं कोई जख्म है तो उसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके उसको 5 या 10 मिनट उसके ऐसे ऐसे मालिश करो या रब करो उसको, बाद में उसको गर्म पानी से कूला कर दो। मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी मैंने आपको ये जो उपचार बताए हैं स्टार्ट से लेकर मतलब जो ऑयल कूलिंग से लेकर अभी तक जितने भी बताए उनमें ये करने के बाद जो उपचार मैंने बताए वो करने के बाद जो है आपको गर्म पानी से कूला करने के बाद आधा से एक घंटे के बाद कुछ नहीं खाना है, यह आप बात ध्यान में रखो। तो ये काली हमारा जो सरसों का तेल और जो नमक है इसका पेस्ट आप वहाँ पे लगाओ और उसको 15-20 मिनट रहने दो, उसके बाद गुनगुने पानी से कूला कर दो, तो जो आपके जो दांतों का जो ढीलापन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ऐसा आपको लगातार करना है, ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया परसों किया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आपके दांतों का जो संक्रमण है वो ख़त्म नहीं होता तब तक आपके जो दांतों में जो कसावट है, एक टाइटनेस है, वो कभी आएगी नहीं, तो ये बात आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो काली मिर्च है, काली मिर्च और हल्दी। अभी जैसा मैंने बताया कि सरसों का तेल और नमक इन दोनों का जैसे हमने किया था वैसे ही काली मिर्च और काली मिर्च और हल्दी इन दोनों का भी आपको सेम करना है। दोनों को लेना है आधा आधा चम्मच, इसका जो पाउडर बनाया जाता है उसको थोड़ा सा पेस्ट बनाना है, और जहाँ भी आपके जो मसूड़ों में जो भी घाव हुआ है या मसूड़ों में लालिमा है या मसूड़ों में सूजन है उसके आजू बाजू उसका पेस्ट है, और ऐसा ऐसे करके 5-10 मिनट इसको भी रख करना है, ये भी 10-15 मिनट उसको वहाँ तक रखना है, और उसके बाद जो है गुनगुने पानी से जो है उसको जो आपको खुला करना है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को एक फ्री में टिप देना चाहूँगा कि दांतों की जो हिलने की समस्या है ये अभी तो आपने सुना कि ये हम कर सकते हैं, ये उपचार हम कर सकते हैं, लेकिन इन द फ्यूचर ऐसा कभी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हफ्ते में आप ब्रशिंग तो रोज़ाना करोगे, सुबह भी करोगे और शाम को भी करोगे, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन एडवांस मैं आपको बता दूँ कि ब्रशिंग के साथ साथ हफ्ते में 2 या 3 बार आपको मंजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके जो दांतों के बीच की गैप है उसको कम रखने में आपकी हेल्प करेगा, और एक दिन जो है हमारे जो दांतों का जो एनेमल होता है वो भी कम घिस जाता है, क्योंकि ब्रश से देखा होगा आपने ज़्यादा घिसने से जो है हमारे दांतों का जो एनेमल होता है, जो एक ब्लीजिंग होता है, जो एक मतलब परत होती है वो जाती रहती है, तो ये ना जाए इसके लिए आपको हफ्ते में 2 से 3 बार मंजन जरूर करना है। साथ ही फ्लॉसिंग जिसको बोलते हैं, जो मतलब धागा लेना है उसको अपने दांतों के बीच से जो फ्लॉसिंग बोलते हैं
वो मैं यहाँ इमेज में आपको दिखाऊंगा। तो वो फास्टिंग भी आपको लगभग हफ्ते में एक दो से तीन बार करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आपके दांतों के बीच जो जमा कैविटी है वो निकलने में आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो टिप है वो ये है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या सिगरेट पीते हैं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी इनका जो सेवन करते हैं, उनके दांत जो है ज़्यादा जल्दी पीले होते हैं, उनको दांतों में सेंसेशन बहुत होती है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा जो धूम्रपान होता है या जिसको हम कहते हैं कि शराब वगैरह जो ज़्यादा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा कम करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो दांत होते हैं उसका जो लूजिंग होता है वो क्यों होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय जय।